सो अब अंबुजा सीमेंट का एक रिलेटिव वैल्यूएशन भी देखेंगे और एक सिनारियो एनालिसिस भी हम यहां पे देखने वाले हैं दोस्तों. सो कितना कैपेसिटी बढ़ा पाती है कंपनी, कितना यूटिलाइजेशन हो पाएगा कंपनी की तरफ से. सो ये सारे फैक्टर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. पब्लिक कैपेक्स मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस है उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस कंपनी को या फिर पूरे सीमेंट इंडस्ट्री को मिल सकता है. हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी. मेरा नाम है शैनिक भंडारी और 5 स्टॉक्स फॉर FY25 इस सीरीज के 5th एंड लास्ट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. अगर आपने इस सीरीज़ के बाकी 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो डू वॉच दोज वीडियोस एज वेल. एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के बारे में. सो ये वीडियो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जहां सबसे पहले हम कंपनी के बारे में समझेंगे, उसके कुछ हाई ग्रोथ जो ट्रिगर्स है, व्हाट आर द की ग्रोथ ट्रिगर्स, उसके बारे में हम बात करेंगे. एंड परिमल सर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो इस कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और सिनेरियो एनालिसिस भी आप सभी के सामने प्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहले हम अंबुजा सीमेंट इस कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं. तो अंबुजा सीमेंट का लास्ट 2 साल पहले अराउंड September 2022 अदानी ग्रुप ने इस कंपनी का एक्विजिशन कर लिया था. तो अभी अदानी सीमेंट या अदानी फैमिली का जो स्टेक है अंबुजा सीमेंट्स में वो लगभग 70.3% पे आ चुका है. एंड अंबुजा सीमेंट्स की 2 सब्सिडियरीज भी है जो लिस्टेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंज. सो एक है ACC लिमिटेड जहां उसका 50.05% का स्टेक है. एंड द सेकेंड कंपनी संघी इंडस्ट्रीज जहां अंबुजा सीमेंट का 60.44% का स्टेक है. ACC में अंबुजा के अलावा अदानी फैमिली का भी कुछ स्टेक है. तो जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग आती है अदानी सीमेंट की ACC लिमिटेड में, दैट कम्स टू अराउंड 57%. अगर हम कंपनी की करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इट कम्स टू 78.9 MTPA और मिलियन टन्स पर एनम. सो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश है. एंड ये जो सीमेंट का बिजनेस है ये भी एक कैश रिच बिजनेस है. सो एज ऑफ 31st March 2024 कंपनी के पास 15,252 क्रोस का कैश बैलेंस था. एंड उसके बाद अप्रैल 2024 में अदानी फैमिली ने शेयर वारंट्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो कंप्लीट किया था. एंड 8,339 करोड़ रुपए यहाँ पे उन्होंने इन्फ्यूज किए थे इस बिजनेस में. सो अराउंड 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कैश कंपनी के पास अभी अवेलेबल है. एंड दैट वुड बी यूटिलाइज टू फंड द केपेक्स एक्टिविटीज ऑफ दिस कंपनी. एंड कंपनी का कहना है कि वो आगे जाकर भी कोई डेट अपने बैलेंस शीट पे नहीं लेंगे, मेजर कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं लेंगे. एंड इट वुड कंटिन्यू टू रिमेन नेट डेट फ्री. सो ओवरऑल जो कंपनी का केपेक्स रहेगा वो इंटरनल अक्रूवल्स और ये जो अभी शेयर वॉरेंट से कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपीज रेज किया था प्रमोटर फैमिली से, सो इन दोनों का यूटिलाइज करके ही कंपनी अपना पूरा केपेक्स प्लान जो है वो उसको फंड करने वाली है. कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं बिकॉज ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वॉल्यूम्स के ऊपर हम फोकस करेंगे. सो September 2022 में 12.8 मिलियन टन्स के वॉल्यूम्स हमें यहाँ पे देखने को मिले थे. एंड उसके बाद जो आगे जाके वॉल्यूम ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल नहीं दिखा. मतलब अगर हम दिसंबर, मार्च और जून क्वार्टर्स की बात करें तो एक अपसाइकल दिखी है, बट थोड़ा सा वहाँ पे सीजनैलिटी फैक्टर भी आता है. जून का जो क्वार्टर है वो सीमेंट बिजनेस के लिए अच्छा क्वार्टर होता है तो वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा दिखाई दिया है. लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई सब्सटैंशियल वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली. सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? सो एक इंटरेस्टिंग चार्ट हम देख सकते हैं कि जब अंबुजा सीमेंट्स का एक्विजिशन हुआ था बाय अदानी फैमिली तो इन अराउंड September 2022 यहाँ पे 67.5 मिलियन टन्स की कैपेसिटी इस कंपनी की थी ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस. ACC का भी वहाँ पे शेयर इंक्लूड करेंगे. एंड उसके बाद नेक्स्ट 1 ईयर में कोई भी कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हुआ. जो फर्स्ट न्यू प्लांट यहाँ पे कंपनी के पास आया दैट केम इन December 2023, यानी कि जस्ट बिफोर Q4 ऑफ FY24.
सो उसके बाद कंपनी ने संगी इंडस्ट्रीज का भी एक्विजिशन किया, वो एक्विजिशन भी कंप्लीट हुआ इन दिसंबर 2023 एंड फिर जनवरी में कंपनी ने 1.5 MTPA का एक प्लांट एक्वायर किया था एंड उसके बाद माय होम इंडस्ट्रीज का एक्विजिशन यहाँ पे उन्होंने एक सीमेंट प्लांट का एक और किया है इन अप्रैल 2024. सो एज ऑफ करेंट डेट तो यहाँ पे जो उनकी कैपेसिटी है दैट इज इंक्रीज टू 77.6 MTPA. सो दिस इज अंबुजा सीमेंट्स कंसोलिडेटेड कैपेसिटी. इसके अलावा उनके पास एक और कैपेसिटी है दैट इज़ अ 1.3 MTPA प्लांट जो कि दहेज में सिचुएटेड है. सो ये जो कंपनी ये जो प्लांट है ये बेसिकली अदानी ग्रुप का ही एक पार्ट होता है लेकिन वो अंबुजा सीमेंट्स के अंडर नहीं आता. सो ऐसे करके सब मिलाकर जो अदानी सीमेंट की जो टोटल कैपेसिटी है दैट इज़ इंक्रीज टू 78.9 MTPA. सो ये जो कैपेसिटी हम देख रहे हैं कि 78-80 की अराउंड 80 MTPA की कैपेसिटी हो चुकी है, FY24 में अगर हम बात करें तो 77.4 MTPA की कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिली थी कंपनी की टुवर्ड्स द एंड ऑफ FY24. लेकिन यहाँ से जो कंपनी की कैपेसिटी ग्रोथ है दैट वुड बी सब्सटैंशियल बिकॉज जब इसका एक्विजिशन हुआ था अंबुजा सीमेंट्स का बाय अदानी फैमिली तो मिस्टर गौतम अदानी ने बताया था कि वो 140 MTPA पे लेके जाने वाले अपनी कैपेसिटी बाय FY28. सो अराउंड 16% का कैगार हमें सिर्फ कैपेसिटी में ही दिखता है एंड अगर हम इसे ये जो सब्सटैंशियल कैपेसिटी एडिशन है इसको हम मार्केट लीडर से कंपेयर करें सो नेक्स्ट 4 ईयर्स में FY25 से लेके FY28 ये 4 सालों में अदानी सीमेंट इज़ प्लानिंग टू ऐड अराउंड 63 MTPA ऑफ कैपेसिटी जबकि जो मार्केट लीडर है अल्ट्राटेक सो उनका कैपेसिटी एडिशन का टारगेट इज़ अराउंड 49 MTPA. सो जो गैप रहेगा नंबर वन प्लेयर एंड नंबर टू प्लेयर इस इंडस्ट्री में वो भी कम हो जाएगा बिकॉज बाय द एंड ऑफ FY28 अंबुजा वुड बी अराउंड 140 मिलियन टन पर एनम एंड अल्ट्राटेक वुड बी अराउंड 200 MTPA. सो उसके बावजूद भी अल्ट्राटेक नंबर वन प्लेयर रहेगा इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी लेकिन जो ग्रोथ है वो अंबुजा सीमेंट में ज़्यादा नज़र आ रही है. सो ये जो कैपेसिटी एक्सपांशन की बात चल रही है तो इसके रिगार्डिंग कंपनी ने कुछ प्लान्स भी बताए हैं. सो कंपनी मल्टीपल वेज से अपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है, वो डी बॉटलनेकिंग एक्टिविटीज़ कर रही है, उसके साथ साथ ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड एक्सपांशन पे कंपनी का फोकस है. सो सीमेंट में जो कंपनी की कैपेसिटी उसका एडिशन का जो प्लान है वो 19.6 MTPA के प्लांट्स अभी कंपनी ने डिक्लेयर कर चुके हैं एंड इसके अलावा अराउंड 12 MTPA के प्लांट्स है जो कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिए लेकिन उसके डिटेल्स अभी तक के पब्लिकली कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किए हैं. इसके साथ साथ कंपनी क्लिंकर पे भी फोकस कर रही है. सो क्लिंकर इज़ बेसिकली अ रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट. सो पहले लाइमस्टोन से क्लिंकर बनता है एंड क्लिंकर से बाद में सीमेंट बनता है. सो ये जो क्लिंकर की भी कैपेसिटी है वो ऐड करना भी ज़रूरी है एंड कंपनी उस पर भी फोकस कर रही है. सो 8 MTPA के दो प्लांट्स मतलब 4 MTPA के दो प्लांट्स यहाँ पे कंपनी ऐड कर रही है बाय FY26. तो ये भी एक अच्छा साइन है कि जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से मतलब यूटिलाइज होगी बिकॉज क्लिंकर अगर अवेलेबल होगा तभी सीमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन रहेगा. सो दिस ओवरऑल एक अच्छे ट्रैक पे नज़र आ रही है कंपनी के जो एक्सपांशन प्लान्स है एंड वी स्ट्रांगली फील कि आगे जाके जो कंपनी की कैपेसिटी है ये 140 MTPA का टारगेट जो है कंपनी का वो फुलफिल कर लेंगे वो लोग. नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स की बात करते हैं जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है. सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है. अगर हम कंपनी के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें इन दिसंबर 23 के क्वार्टर में तो ओवरऑल कंपनी का जो यूटिलाइजेशन लेवल रहा दैट हैज़ बीन अराउंड 77%. अगर हम सेंट्रल रीजन की बात करें तो वहाँ पे 94% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस क्वार्टर में हमें देखने को मिला था. अगर हम कंपनी का एवरेज ट्रेंड देखें तो अभी अराउंड 75% के यूटिलाइजेशन पे ये कंपनी ऑन एन एवरेज ऑपरेट कर रही है एंड कंपनी का टारगेट है कि बाय FY28 जब उनका कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा उसके साथ साथ वो अपना यूटिलाइजेशन लेवल्स भी बढ़ाना चाहते हैं. सो अराउंड 85% का यूटिलाइजेशन का टारगेट वो लोग यहाँ पर रख रहे हैं एंड कंपनी का ये एक अंदाज़ा है कि जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेंगे तो एक ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट होगा एंड उसके वजह से जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी एंड दैट इज़ हाउ द कंपनी इज़ टारगेटिंग टू बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल सीमेंट कंपनी इन इंडिया.
सो प्रॉफिट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एबिटडा पर टन इज एन इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स जो जब हम किसी भी सीमेंट कंपनी को एनालाइज करते हैं तो वहाँ से हम कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में एक अंदाज़ा ले सकते हैं. सो पर टन ऑफ सीमेंट सोल कितना एबिटडा ये कंपनी बना रही है. सो सेप्टेम्बर 22 का जो क्वार्टर रहा है वहाँ पर 255 रुपीज़ का यहाँ पर एबिटडा पर टन था. तो काफ़ी कम यहाँ पर जो एक एबिटडा के टर्म्स में हम बात करें तो काफ़ी ख़राब क्वार्टर रहा था बिकॉज जो कोल एक्सपेंसेस एंड जो लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे. एंड ये एक इंडस्ट्री वाइड हम ट्रेंड देख सकते हैं कि अराउंड 2022 ये जो कैलेंडर ईयर है तो वहाँ पे जो एक्सपेंसेस है इनपुट रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई थी. उस वजह से एबिटडा पर टन काफ़ी कम था. लेकिन अभी इंडस्ट्री इज़ ऑन अ रिकवरी जोन. सो ओवरऑल अगर हम अभी दिसंबर 23 का एबिटडा पर टन देखें इस कंपनी का सो अराउंड 1225 रुपीज़ पे ये यहाँ पे आ चुका है एबिटडा पर टन. सो कंपनी का जो ओवरऑल टारगेट है FY28 में उन्हें एबिटडा 1470 रुपीज़ पे लेकर जाना है. अगर हम 9 months ऑफ FY24 की बात करें सो अराउंड 1103 रुपीज़ का एबिटडा यहाँ पे 9 month का रहा था ऑन एन एवरेज. एंड ये यहाँ से अगर हम देखें तो लगभग 33% का इंक्रीज कंपनी अपने एबिटडा पर टन में करने जा रही है. सो दैट इज़ देयर टारगेट. एंड जो मार्जिन्स की अगर हम बात करें सो जो करेंट मार्जिन्स है 9 months में 19% के अराउंड मार्जिन्स रहे हैं. एंड कंपनी चाहती है कि ये जो मार्जिन्स है इसमें एक अपवर्ड शिफ्ट आएगा एंड 25% का मार्जिन ये लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं. सो इसमें कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगी अपनी ऑपरेटिंग इफ़िशियंसीज़ को बढ़ाने में बिकॉज अंबुजा और ACC ये जो कंपनीज है ये पहले अलग अलग ऑपरेट कर रही थी. अभी यहाँ पे इनका ऑपरेशन जो है वो इंटीग्रेट हो गए. ऑल्दो ऑन पेपर ये दो अलग अलग कंपनीज है लेकिन इन सब्सटेंस कंपनीज़ ये जो एक ही बिजनेस की तरह ऑपरेट कर रही है. तो काफ़ी ज़्यादा सिनर्जी बेनिफिट्स भी है हम जानते हैं बिकॉज अदानी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थीम है अदानी फैमिली की. तो बीट कोल अगर यहाँ पे इन्हें लगता है तो अदानी एंटरप्राइजेज है, अदानी पोर्ट्स अगेन अदानी इंफ्रा के सारे जो प्रोजेक्ट्स है तो वहाँ पे सीमेंट यूटिलाइजेशन हो सकता है. तो ऐसे कई सारे जो बेनिफिट्स है सिनर्जीज के तो ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. एंड ये सिनर्जीज प्ले आउट होकर ही यहाँ पे वो एक एबिटडा का जो उनका टारगेट है 1470 रुपीज़ का तो वो यहाँ पे वो अचीव कर सकते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो यहाँ पे पावर कॉस्ट होता है इस इंडस्ट्री में वो रॉ मटेरियल से भी ज़्यादा कॉस्ट पावर का होता है बिकॉज मोर इट्स अ वेरी हाई एनर्जी यूटिलाइजिंग इंडस्ट्री. तो अभी इंडस्ट्री का एक ट्रेंड हम देख सकते हैं कि पूरी जो इंडस्ट्री है वो ग्रीन पावर पे फोकस कर रही है बिकॉज कोल की वोलेटिलिटी के वजह से लास्ट के 2 साल उनके काफ़ी ख़राब रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज पूरे जो कॉस्ट है वो कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर सकते थी ये इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव नेचर. तो इसी वजह से कंपनीज जो है वो रिन्यूएबल पावर पे फोकस कर रही है, ग्रीन पावर पे फोकस कर रही है. एंड FY24 में यहाँ पे कंपनी के पास 418 मेगावाट्स के कैपेसिटी थी एंड FY28 में इट वुड इंक्रीज टू 1466 मेगावाट्स. सो लगभग 1 गीगावाट का एडिशन यहाँ पे नेक्स्ट 4 ईयर्स में हमें कैपेसिटी टर्म्स में देखने को मिलेगा. सो इट वुड बी बोथ WHRS एज वेल एज विंड एंड सोलार एनर्जी. सो ये जो एक्सपांशन रहेगा इसके साथ जो कंपनी का कॉस्ट है एनर्जी टर्म्स में तो वो कॉस्ट रिडक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है. पावर कॉस्ट में कंपनी टारगेट कर रही है कि 20% का रिडक्शन यहाँ पे वो देखे. अगर हम इसको नंबर टर्म्स में देखें तो लगभग 90 रुपीज़ पर मेट्रिक टन का कॉस्ट रिडक्शन यहाँ पे वो पावर ग्रीन पावर की यूसेज से आगे मतलब फोर्सी करती है. सो लगभग 90 रुपीज़ से ही एबिटडा यहाँ पे सिर्फ ग्रीन पावर की यूसेज की वजह से बढ़ सकता है. सो इसी वजह से कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस है टुवर्ड्स ग्रीन पावर. एंड दिस इज़ अ ट्रेंड अक्रॉस ऑल मेजर प्लेयर्स. अगर हम अल्ट्राटेक की भी बात करें तो वो भी कंपनी कहती है कि वो आगे जाके जो भी पावर प्लांट्स है वो ग्रीन पावर में ही फोकस करेंगे. एंड कोई भी कंपनी अभी थर्मल या कोल बेस्ड पावर प्लांट्स की बात नहीं कर रही है. सो एक इंडस्ट्री वाइड एक अच्छा फिनोमिना रहेगा ये कि जो
कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी वो ऑन हायर साइड रहेगी, रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी जो है उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, तो एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ ये लोग अप्रोच कर सकते हैं। सो अब अंबुजा सीमेंट का एक रिलेटिव वैल्यूएशन भी देखेंगे और एक सिनेरियो एनालिसिस भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। सो रिलेटिव वैल्यूएशन में दो कंपनीज के साथ अंबुजा सीमेंट का कंपैरिजन हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहली है अल्ट्राटेक सीमेंट और दूसरी है श्री सीमेंट, तो उसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं रिलेटिवली हाउ अंबुजा सीमेंट इज वैल्यूड करंटली, और उसके बाद जो सिनेरियो एनालिसिस हम रखते हैं वो रखूंगा मैं आप लोगों के सामने। सो एंटरप्राइज वैल्यू, ये पहला पैरामीटर देखते हैं, तो उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट का एंटरप्राइज वैल्यू है करंटली 2.9 लाख करोड़ रुपीज, और अंबुजा सीमेंट का है 1.22 लाख करोड़ रुपीज, एंड श्री सीमेंट का है अराउंड 88,000 करोड़ रुपीज। सो कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, सो करेंटली अल्ट्राटेक्स करंट कैपेसिटी इज 151 मिलियन टन पर एनम, और वही अगर मैं अंबुजा सीमेंट की बात करता हूं तो 78.90 मिलियन टन पर एनम है, एंड श्री सीमेंट इज अराउंड 56.40 मिलियन टन पर एनम। अगर एक्सचेंज रेट में 83.32 का लगाता हूं तो उसके हिसाब से ईवी पर टन इन डॉलर टर्म्स किसका ज्यादा है ये समझते। सो अल्ट्राटेक का जो ईवी पर टन इन डॉलर टर्म्स ये जो पैरामीटर है दैट इज अराउंड $229.64, अंबुजा सीमेंट का ये है $186.57, एंड श्री सीमेंट का है $187.89। तो यहां पे स्कोप डेफिनेटली ज्यादा है आने वाले समय में अगर यूटिलाइजेशन लेवल्स अच्छी तरीके से बढ़ते हैं, जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी को करना है वो किया जाता है, एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज की जाती है, तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर नंबर कैन गो अप। मार्केट कैप की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो करंटली अल्ट्राटेक का मार्केट कैप है 2.80 लाख करोड़ रुपीज, अंबुजा सीमेंट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड 1.26 लाख करोड़ रुपीज, एंड श्री सीमेंट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड 86.6 थाउजेंड करोड़ रुपीज। पी रेशो पॉइंट ऑफ व्यू से करेंटली अल्ट्राटेक इज प्रीमियमली वैल्यूड एट 43.369 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, अंबुजा सीमेंट एंड श्री सीमेंट्स आर बिटवीन 38 एंड 39 पी रेशियो। सो डेफिनेटली आई थिंक अल्ट्राटेक का जो प्रीमियमनेस है आई थिंक बिकॉज ऑफ द ईवी पर टन की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे ज़्यादा भी है। ईवी टू एबिटा का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो अंबुजा सीमेंट का है 23.60 टाइम्स, अल्ट्राटेक का है 22.56 टाइम्स, एंड श्री सीमेंट का है 19.60 टाइम्स। अब थोड़ा सा सिनेरियो एनालिसिस की तरफ चलते हैं, सो जिसमें कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहां से कितना एबिटा निकलता है उस हिसाब से ये सारे कैलकुलेशंस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सो करंट कैपेसिटी 78.9 MTPA की है अंबुजा सीमेंट्स की। अब एस्टिमेटेड कैपेसिटी बाय FY28 जो कंपनी ने नंबर सामने रखे हैं, जो टारगेट रखा है वो है 140 MTPA, एंड आई थिंक दैट इज क्वाइट अचीवेबल। सो मॉडरेट एंड एग्रेसिव सिनारियो में हमने 140 का ही नंबर कंसिडर किया है, बट इफ वी आर ट्राइंग टू एड अ कंजर्वेटिव अप्रोच टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन देन द नंबर वुड बी अराउंड 130 MTPA, हमें लगता है कि दैट इट शुड बी अचीव्ड। देन एस्टिमेशन ऑफ यूटिलाइजेशन, एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन बाय FY28 कंजर्वेटिव सिनारियो में हमने 75% कंसिडर किया है, करंटली इट इज ऑल्सो सेम बट आई थिंक द नंबर इज इंक्रीजिंग। मॉडरेट वे में 80% कंसिडर किया है, एंड लॉन्ग टर्म जो गाइडेंस कंपनी ने दिया हुआ है यूटिलाइजेशन का दैट इज 85% बाय FY28, एंड दैट्स वाई एग्रेसिव सिनारियो में हमने 85% का यूटिलाइजेशन कंसिडर किया है। सो एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम बाय FY28 इन मिलियन टन्स होगा 97.5 मिलियन टन्स कंजर्वेटिव अप्रोच में, 112 मिलियन टन्स मॉडरेट अप्रोच में, एंड 119 मिलियन टन्स एग्रेसिव अप्रोच में। सो एस्टिमेटेड एबिटा पर टन रुपीज टर्म में अगर हम देखते हैं, सो 1250 कंजर्वेटिव वे में हमने कंसिडर किया है, 1350 मॉडरेट वे में, एंड 1470 हमने एग्रेसिव वे में यहाँ पे कंसिडर किया है। सो देन ईवी एबिटा पर टन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मिलियन टन से, देन वी विल गेट एस्टिमेटेड एबिटा बाय FY28। सो 12,188 करोड़ रुपीज का एबिटा हो सकता है बाय इन अ कंजर्वेटिव वे बाय FY28। मॉडरेट वे से ये हो सकता है 15,120, एंड एग्रेसिव वे से ये हो सकता है 17,493। ऑब्वियसली आई थिंक लॉट ऑफ दीज थिंग्स, मतलब नेक्स्ट जो पैरामीटर हम इसमें से माइनस करेंगे दैट वुड बी डेप्रिसिएशन,
वो कितना कैपेक्स करते हैं उस हिसाब से ये सारे कैलकुलेशंस किए। सो कंजर्वेटिव वे में डिप्रिसिएशन वुड बी अराउंड 4000 करोर, मॉडरेट वे में 4500 करोर एंड एग्रेसिव वे में 5000 करोर रुपीज। सो एस्टिमेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अगर नंबर हम देखते हैं, कंजर्वेटिव वे से ये नंबर है 8188 करोर रुपीज, मॉडरेट वे से ये नंबर होगा 10620 करोर रुपीज एंड एग्रेसिव वे से ये नंबर होगा 12493 करोर रुपीज। अब डेफिनेटली ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इस पे टैक्स तो पे करना पड़ेगा। सो 27% के हिसाब से अगर मैं टैक्स इस पे अप्लाई करता हूं, सो देन एस्टिमेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय FY28 वुड बी अराउंड 5977 करोर इन अ कंजर्वेटिव वे, 7753 करोर रुपीज इन अ मॉडरेट वे एंड 9120 करोर रुपीज इन एग्रेसिव वे। सो ऑब्वियसली अब ग्रोथ के नंबर्स अगर अलग होंगे तो पी रेशियो भी हमें अलग तरीके से अप्लाई यहाँ पे करने होंगे। करंट पी रेशियो जो है वो अराउंड 39.89 का है, बट लेट्स रैशनलाइज दीज नंबर्स। सो मैं कंजर्वेटिव वे में 25 टाइम्स का पी रेशियो देना चाहता हूँ, मॉडरेट वे में 30 टाइम्स एंड एग्रेसिव वे में 35 टाइम्स, यानी कि करंट पी रेशियो से भी मैं उसको डिस्काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो देन एस्टिमेटेड मार्केट कैप अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव एस्टिमेट बाय FY28 वुड बी 1.49 लाख करोड़ रुपीज, मॉडरेट वे से 2.32 लाख करोड़ रुपीज एंड एग्रेसिव वे से 3.19 लाख करोड़ रुपीज। सो भले ही मैं यहाँ पे कंजर्वेटिव वे से बात कर रहा हूँ तो CAGR हो सकता है 4.28% विच विल नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव फॉर यू पीपल, बट अगर मॉडरेट और एग्रेसिव वे से ये कंपनी परफॉर्म कर पाती है देन द एप्रिसिएशन कुड बी अराउंड 16.48% CAGR इन मॉडरेट वे एंड एग्रेसिव वे में 26.08% पर एनम का रिटर्न ये कंपनी दे सकती है। ऑब्वियसली देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अज्यूम्ड, सो डिलीवरी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। सो कितना कैपेसिटी बढ़ा पाती है कंपनी, कितना यूटिलाइजेशन हो पाएगा कंपनी की तरफ से, सो ये सारे फैक्टर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे माना तो जा रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी की तरफ से काफी अग्रेसिव रहेगा एंड पब्लिक कैपेक्स मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस है उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस कंपनी को या फिर पूरे सीमेंट इंडस्ट्री को मिल सकता है एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन कंपनी विच शुड बी ऑन योर रडार। इफ यू वांट टू नो वेदर अंबुजा सीमेंट इज अ पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो और नॉट, तो आपको हमारे इन्वेस्टर ने वेबसाइट को विजिट करना होगा एंड वहां पे जाकर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोज के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।